तो गुरु एको के सारे एपिसोड रिलीज कर दिए गए हैं और इस वीडियो के वॉइस ओवर तक मैंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड ही देखा है, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट एपिसोड के बारे में ही बात करेंगे और एपिसोड दर एपिसोड डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। पहली बात मैं जो तुम्हें बताना चाहूंगा कि चाहे तुम इसे इंग्लिश में देखो या हिंदी में देखो, तुम्हें इसके लिए सबटाइटल्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसकी लीड एक्ट्रेस साइन लैंग्वेज में बात करती है और अगर तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो सबटाइटल्स ऑन कर लेना। अगर एपिसोड पे आए तो फर्स्ट एपिसोड सिर्फ एक ऑरिजिन स्टोरी मालूम पड़ता है जहां माया के चाइल्डहुड को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, फिर आगे स्टोरी को हॉकआई के इवेंट से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहां पे मैंने जेरेमी रेनर के कैमियो को एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर फिर भी उन्होंने यहां पे अपने रॉयन के कैरेक्टर को रिप्राइज किया है। और जो फैंस ये कह रहे थे कि फर्स्ट एपिसोड में हमें माया और डेयरडेविल का फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा वो भी 6 मिनट का, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। फाइट सीक्वेंस था पर इंटेंसिटी बिल्डअप होने से पहले ही खत्म हो जाती है और डेयरडेविल को देखकर मुझे कुछ खास चेंजेस नहीं लगा, मतलब नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल वाली ही वाइब आ रही थी। और सच बताऊं तो आधी ऑडियंस इस सीरीज को डेयरडेविल और किंग पिंग की वजह से ही देख रही है और उनमें से मैं भी एक हूं। देखो फर्स्ट एपिसोड में मुझे प्लॉट उतना स्ट्रांग दिख नहीं रहा है, बाकी कैरेक्टर डेवलपमेंट को प्रॉपर टाइम दिया गया है, एक्शन सीक्वेंस काफी अच्छे लगे मुझे और साउंड डिजाइनिंग भी काफी बेहतरीन की गई है, क्योंकि फाइट सीक्वेंस में अचानक से साउंड फेड आउट हो जाती है जिससे हमें माया के पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है। और जहां बात रहे किंग पिंग की, तो ये अपने स्क्रीन प्रेजेंस को कभी खाली नहीं जाने देते, मतलब इनके स्क्रीन पे आते ही एक अलग सी इंटेंसिटी बिल्डअप हो जाती है जो कि सेम वाइब नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल वाली देती है।